अंतिम आरक्षण समिति की जानिब से बीड़ जिले के अंदर तमाम कर्मचारियों ने मोर्चा निकाला था, जिसके अंदर हमारे साथ हम देख सकते हैं कि मेरे पीछे कई लोग यहां पर मौजूद है, कई लेडीज यहां पर मौजूद है। देखा जाए तो एक तरफ से यहां पर टीचर हजरात थे, एडवोकेट है, पुलिस वाले है, जितने गवर्नमेंट सर्वेंट है, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड क्लास, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह से हमारे साथ आज यहाँ पर भीड़ की जानी मानी हस्ती एडवोकेट पटेल है, मैडम हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर किस लिए और क्यों आए। मैडम, हम यहाँ पर किस लिए आए और यहाँ पर आपके जमा होने का उद्देश्य क्या था? सर, ऐसा देखा जाए तो आज़ादी से अब तक जो हक मुसलमानों को मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। उस बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए कि मुसलमानों को पढ़ाई में और नौकरी में आरक्षण मिलना सख्त ज़रूरी है, क्योंकि सबसे नीचे और दबा हुआ समाज आज मुस्लिम समाज है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुस्लिम समाज को शिक्षण की है और आरक्षण की है। नौकरियों में आरक्षण चाहिए, शिक्षण में आरक्षण चाहिए, ताकि ये जो समाज पीछे रहा हुआ है ये समाज आगे आए, मेन स्ट्रीम में आए, कुछ करके बताए। बीड़ जिले के अंदर ये देखने मिला है कि पहली बार आप लेडीज यहाँ पर रोड पे आई है, खास करके मुस्लिम आरक्षण के लिए, ऐसा क्यों हुआ है? आज तक यहाँ कहीं देखने नहीं मिला है, फर्स्ट टाइम यहाँ देखने मिला है कि आप तमाम लेडीज हजरा यहाँ पर मौजूद है। ऐसा है कि जहाँ पे आरक्षण की बात आती है वहाँ पे पुरुष और महिला, ऐसा पहले तो भेदभाव ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़रूरत लड़कों को पढ़ाई की है उतनी ही ज़रूरत लड़कियों को भी पढ़ाई की, उनका भी उतना ही हक है पढ़ने का, आगे बढ़ने का। इसलिए पूरी और एक पूरी मुस्लिम समाज के फैमिली जब भी चलाती है घर को तो वो अपनी औरत माँ बहने मिलकर चलाती है, और उनको सबसे उनको भी फिक्र होती है कि उनकी औलाद, उनके भाई, उनके चचा, जो भी फैमिली वाले हैं वो आगे बढ़े। आज अगर उनको नहीं मिला है तो उनके आने वाले मुस्तकबिल, उनके बच्चों को, जो भी आज पढ़ रहे हैं अच्छे एजुकेशन में है लेकिन कुछ वजूहत की वजह से पीछे रहते हैं, और अगर ये 5-10 अगर उनको मिलता है तो आज अच्छी अच्छी पोजीशन पे हमारे भाई भी और हमारे बच्चे भी आगे। मुझे यहाँ पर ये कमेंट देखने के लिए मिली है कि आपके पास आपके हाथ में बैनर, बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि ये हमारे भाई है, कुछ नंबर से वो पीछे है और आज ये कम जात के लोग आगे जा रहे हैं। हमारे बच्चे रात दिन पढ़ रहे हैं, हमारे भाई पढ़ रहे हैं लेकिन अच्छी जगह जा नहीं सक रहे, लेकिन अगर उनको एक सपोर्ट मिल रहा है तो वो आगे क्यों नहीं पढ़ेंगे? हमारा हक है ये, क्योंकि हम भी इसी वतन के रहने वाले, इसी मुल्क के लोग हैं। आपका क्या कहना है, आपने जो इतना बड़ा मोर्चा निकाला आज, आपको निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? रिजर्वेशन हमारा जमहूरी हक है। गुज़िश्ता 60 से 70 सालों के दरमियान मुसलमानों की पसमानदगी जो है देखते बनती है। आज़ादी से पहले जबकि मुलाजमत में मुसलमानों की तादाद जो है 11 से 12% के दरमियान थी, आज वो घटकर 0.00 के मुसलमान मुत्तहिद हो जाएगी कि सारे जीसीओ हजरात, जितने पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, ये अगर कहीं अपनी मांग जो है रखते हैं हुकूमत के सामने, तो हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा कि एक बेदार मग्ज जो है तबका जो है जाग चुका है, और ये तबका जो है यकीनन जो है कौम की रहनुमाई यहाँ से करने का काम शुरू करेगा। कौन कौन से शोबे से यहाँ पर आपके पास लोग जमा हुए और कौन कौन से हजरात जो यहाँ पर कहाँ कहाँ से आए हुए हैं? तालीमी शोबे से मुंसलिक हजरात हमारे साथ जुट के दिगर शोबे जात जितने हैं, इंजीनियरिंग का हो मामला या और दिगर फोर्थ क्लास के लोग भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एसटी डिपार्टमेंट के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जितने सदर मुदरसिन हैं, जितने जो है सेक्रेटरीज हैं किसी संस्था के, ये सारे के सारे लोग हमारे साथ जुड़े। अगर आज यहाँ पर, अगर अभी भी अगर आपका लोग यहाँ पर नहीं मानता है, अगर आज भी आपको शासन अपने रास्ते से इंकार करता है, इसके आगे आप क्या क्या चाहोगे, क्या करना चाहोगे? मुस्तकबिल में हुकूमत को तो इस बात को मानना चाहिए, लेकिन अगर मुस्तकबिल में हमें जरूरत पड़ती है कि मराठवाड़ा लेवल पर, महाराष्ट्र लेवल पर या फिर इंडिया लेवल पर इस तरह के कुछ प्रोग्राम अरेंज करने पड़े, तो यकीनन हमारी ये सारे के सारी टीम मिलकर इस काम को अंजाम देने की कोशिश करेगी। हमें ऐसा पता चला है कि जितने आपकी संगठन, जितने आप पीछे आता था, जितने भी कर्मचारी यहाँ पर आए थे, उनका ये कहना है अगर हमें अगर आरक्षण नहीं मिला तो हम एक दिन की छुट्टी क्या? अगर आरक्षण के लिए गवर्नमेंट यह चाहती है कि अगर हम लोग रोड ही पर आए तो फिर हम एक एक महीने की छुट्टी भी लेकर ये काम कर सकते हैं। आप देख सकते थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो गवर्नमेंट हजरात, जो गवर्नमेंट ड्यूटी है, वो अपने एक गुस्से में बात कर रहे थे, और उनका ये भी कहना है अगर उन्हें अगर हमें आरक्षण नहीं मिला तो हम एक दिन क्या, एक एक महीने की छुट्टी लेकर हम अपने मंत्रालय के सामने, बॉम्बे मंत्रालय के सामने जाकर अपना एक नया मनाने की कोशिश करें। कैमरा मैन शेख जाहिद के साथ मोहम्मद मोहसिन, दूर।